मोहन भागवत जी ने कहा है कि अगले 15 सालों में, 15 सालों में नहीं, आप 15 दिन में कर लीजिए। सरसंग चालक मोहन भागवत जी हमारे लिए भी आदर नहीं है। अगर अखंड हिंदुस्तान की बात कोई करता है तो सबसे पहले उनको पीओके को हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो ले लीजिए। फिर पूरा जो पाकिस्तान विभाजन हुआ था 1947 में, उनको हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो भी लीजिए। कभी कंधार तक हमारी सीमाएं थी, वो भी लीजिए। श्रीलंका भी लीजिए और एक अखंड हिंदुस्तान, एक महासत्ता बना लीजिए। किसी ने रोका नहीं है, ये देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन 15 साल का वायदा मत करिए, 15 दिन करिए या 2 साल करिए, हम पूरा देश आपके साथ रहेंगे। लेकिन उससे पहले, उसके पहले जो कश्मीरी पंडित हैं, उनकी जो कश्मीर की फाइल जो अब वापस खुली है एक पर्दे के ऊपर, उस सभी हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को उनकी घर वापसी बहुत ही सुरक्षित तरीके से होनी चाहिए, वो कर लीजिए। और आपका जो इरादा है अखंड हिंदुस्तान का, हम उनको जरूर समर्थन करेंगे। और इस देश के सभी राजनीतिक दल, चाहे आपके वैचारिक दृष्टि आपके विरोधी हो, आपके विरोधी हो, वो भी आपको समर्थन करेंगे। अखंड हिंदुस्तान का सपना कौन नहीं देखता, सब कुछ देखता है। लेकिन वीर सावरकर का ये सपना था, बाला साहब ठाकरे जी का सपना था, तो सबसे पहले वीर सावरकर को भारत रत्न दीजिए।